जी स्टूडेंट्स, तो आज फिर हमारी क्लास है ये पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल एक बहुत अच्छा टॉपिक है मैथ्स का, और मोस्टली सारे एग्जाम्स में ये आता है। तो जिस जिस एग्जाम्स में पॉलिनोमियल यूज होता है उसके लिए है, आपका SSC हो, MPU हो, ठीक है, आपका MBA हो, LLB हो, पॉलिटेक्निक एग्जाम्स हो, जनरल एग्जाम्स हो, तो उन सब एग्जाम्स के लिए ये एक अच्छा टॉपिक है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे पास है, हम इसमें से क्वेश्चंस लेंगे कुछ अच्छे वाले। तो जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x²-2x-3r। अब मैं इस क्वेश्चन के तीन तरह के सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा, और जब आप इस क्वेश्चन को सीख लेंगे तो उम्मीद ये है कि फिर आप पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशंस को आपको सबसे अच्छा लगेगा उसमें सॉल्व किया करेंगे। क्या है देख लीजिए, हमारे पास क्या है, हमसे कह रहा है कि x²-2x-3 के जीरोज बताइए। जीरोज का मतलब कुछ नहीं होता है, जीरोज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर इसमें रख देंगे तो जीरो हो जाएगा, सेटिस्फाई का मतलब सिर्फ इतना होता है। तो एक तरीका होता है सॉल्व करना, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया उसे सॉल्व कर लें। कैसे करेंगे, आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से x²-3x+x-3, तो यहाँ से एक्स कॉमन तो x-3 आएगा, 1 कॉमन तो x-3 आएगा, x-3 कॉमन तो x+1 आएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगी और x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। चेक का मतलब क्या है, आपके पास है x²-2x-3 और आपका जो पहला ऑप्शन है वो है 3 और -1, तो आप क्या कर सकते हैं, 3 की वैल्यू रख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर -2 × 3 -3, तो 2 3 जा 6 और 3 9, तो 9 हो गए माइनस के और 9 हो गए प्लस के, = 0। तो ये आपका सॉल्व हो गया, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है 3 मेरा आंसर है। तो ध्यान रखना 3 जहां जहां होगा वो वाला मेरा आंसर हो सकता है, तो पहला वाला हो सकता है या डी वाला हो सकता है। चेक कर रहे हैं ना, तो -3 वाला जिसमें 3 नहीं है उनको तो आप छोड़ ही सकते हो। अब बचा क्या, या तो -1 या +1। तो आप चाहे +1 रख के देख लीजिए, चाहे -1, में +1 रख रहा हूँ आसानी के लिए। तो 1 का स्क्वायर -2 × 1 -3, -2 - 3 -5, और ये +1, इससे 0 नहीं आया, तो 1 मेरा आंसर नहीं है। तो सीधी सी बात, -1 मेरा आंसर है। तो इसका मतलब 3 मेरा आंसर है, -1। तो एक तरीका ये हो गया चेक करने का। तीसरा जो तरीका होता है सबसे इजीएस्ट होता है, इजीएस्ट क्या होता है कि सर ये है x²-2x-3। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। ये सबसे इजी मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या पॉलिनोमियल का। ये हमारे पास है और आपसे क्या कह रहा है कि इसके पॉलिनोमियल्स बताओ। आपको मुझे मालूम होना चाहिए कि भाई अगर हमारे पास पॉलिनोमियल ये है x²-2x-3, तो अगर प्रॉपर्टीज आपको याद है, प्रॉपर्टीज क्या है कि ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो होते हैं, एक को कहते हैं अल्फा एक को कहते हैं बीटा। तो आपको पता है कि सर अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है सर वो c/a होता है। तो अगर इतना आपको पता है तो आप सब बच्चे देखिए
यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा सर यहाँ माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए यानी कि प्लस टू, ठीक है। तो इसका मतलब यह है, मैं अगर इसी से बात करूं, इसका मतलब सिर्फ इतना सा ये है कि आपके पास जो जीरोज हैं, आपके पास जो जीरोज हैं उनका सम टू होना चाहिए। तो थ्री और माइनस वन का सम टू होता है सर, ठीक है जी। तो इसका सम टू होता है, इसका सम माइनस टू होता है, इसका सम फोर होता है, इसका सम माइनस फोर होता है। तो किसका सम टू आया, पहले वाले का, यही आंसर है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब इसमें भी एक चीज सीख लीजिए कि अगर सपोज करो हमारे पास एक ऑप्शन में होता टू और जीरो, तो इसका सम भी टू था, तो अब हम पहले वाले को लेते या इसको लेते, तो फिर दूसरा तरीका होता है कि अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब क्या है कि यहाँ पे सी जो है वो माइनस थ्री है अपॉन वन है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो माइनस थ्री होना चाहिए। तो अब अगर हम देखेंगे इसका प्रोडक्ट तो जीरो आ रहा है, टू इंटू जीरो, और इसका प्रोडक्ट माइनस थ्री आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, पहला ऑप्शन। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो अपनी अगर आपको पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी जीरोस चले तो इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। तीन मेथड हैं, तीनों सीख लीजिए, जहां आपको जो इजी लगे, फास्ट लगे, समझ में आ जाए उसी को अप्लाई कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।